नमस्कार दोस्तों, विन आईएएस के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर मैं आशीष मिश्रा आप सभी का स्वागत करता हूं। हमारी चर्चा एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय को लेकर हो रही थी और हमने काफ़ी सारे बिंदुओं पर अपने प्रश्नोत्तरी के माध्यम से चर्चा शुरू कर दी थी और उसी बात को हम आज आगे बढ़ाएंगे। आप सभी को जैसा कि मालूम है कि हमारी चर्चा शुरू होने से पहले हम सुप्रीम कोर्ट के एक महत्वपूर्ण निर्णय की बात करते हैं और कोशिश करते हैं कि आसान, क्योंकि अगर एक ही दिन में सारे निर्णयों को पढ़ा जाएगा तो वो चीज़ें हमारे लिए हो सकता है ज़्यादा कठिन हो जाएं, इसलिए इस चीज़ को आसान कराने के लिए मैंने ये सेगमेंट चालू किया है कि आप रोज़ एक सुप्रीम कोर्ट के निर्णय को पढ़िए जिससे आपको चीज़ें आसानी से याद हो जाएंगी। तो आज हम जिस निर्णय की बात करने जा रहे हैं वो निर्णय है आपका बेरुबाड़ी मामला, मामला 1960। बेरुबाड़ी मामला में दो तर्क दिए गए। एक तर्क ये था कि प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है, प्रस्तावना को संविधान का भाग नहीं माना सुप्रीम कोर्ट ने, और दूसरी बात इसमें यह कहा गया कि अगर कोई संसद किसी भी अधिकार, जो हमारा भूभाग है, उसको किसी विदेशों में अधिग्रहण करती है या अपने देश के जमीन को विदेश को देती है, किसी अन्य देश को सौंपती है, तो उसके संबंध में साधारण बहुमत से संशोधन नहीं माना जाएगा। आर्टिकल 3 के तहत संशोधन न मान करके अनुच्छेद 368 के तहत संविधान में संशोधन किया जाएगा। किसमें किया जाएगा? अनुच्छेद 3 के तहत संशोधन नहीं माना जाएगा बल्कि संविधान पर संशोधन करके ऐसी प्रक्रिया अपनाई जाएगी। अब ये बेरुबाड़ी मामला क्या था? तो बेरुबाड़ी जो पश्चिम बंगाल है वहां पर एक जगह थी। अब हुआ क्या था, जब रेडक्लिफ कमीशन बना था, रेडक्लिफ आयोग बना था, उसने जल्दी जल्दी में विभाजन कर दिया था, तो कुछ लोगों के जमीन ऐसी थी कि उनकी कुछ जमीन अपने भारत में है, कुछ बांग्लादेश में चली गई, कुछ पाकिस्तान में चली गई, तो ऐसा मुद्दा आया था। इसीलिए जो भारतीय प्रधानमंत्री थे उस टाइम पे नेहरू और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री थे नून, तो नेहरू नून समझौता होता है और इसके तहत बेरुबाड़ी जो ज़मीन होती है उसको स्थानांतरण के लिए बात होती है, उस समझौतों को लागू करने के लिए संविधान में संशोधन की बात आती है। इसी के संबंध में न्यायालय के पास एक विचार जाता है और न्यायालय यह निर्णय लेती है कि अगर इस प्रकार की भूमि का हस्तांतरण किया जाएगा उसके लिए हमें संविधान संशोधन करने की आवश्यकता पड़ेगी। इसीलिए 9वां संविधान संशोधन आता है, 9वां संविधान संशोधन, जिसके तहत इस समझौतों को मूर्त रूप प्रदान किया जाता है। और अभी एक और संशोधन का आपने नाम सुना होगा, 100वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, जिसके तहत जो भारतीय क्षेत्र था बहुत सारे गांवों को बांग्लादेश को सौंपा गया और बांग्लादेश के कई सारे गांवों की ज़मीन को भारत में ले लिया गया। ये अभी 100वां संविधान संशोधन था 2015 का। तो ये कुछ बात होती है किसमें, बेरुबाड़ी मामले संबंध में। तो हमारी सामान्य सी चर्चा हुई किस पे, बेरुबाड़ी मामले को बात पहले के, तो प्रस्तावना को संविधान का भाग नहीं माना, साथ ही ये बात कही गई कि अगर किसी भूभाग को विदेशों में दिया जाता है या विदेशों से लिया जाता है उसके संबंध में हमें क्या करना पड़ेगा, संविधान में संशोधन करना पड़ेगा। आइए अपने प्रश्नों पर आते हैं, जहां पर हमने अपनी चर्चा को समाप्त किया था वहीं से अपनी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं और अपने प्रश्नों की चर्चा की कड़ी को आगे चलाते हैं। हमारे प्रश्न हैं कि राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में साहित्य, कला, विज्ञान तथा समाज सेवा आदि के क्षेत्र में ख्याति प्राप्त व्यक्तियों को मनोनीत करता है इत्यादि का प्रावधान कहाँ से लिया गया है? हमारे ऑप्शन है कनाडा से, ऑप्शन बी आयरलैंड से, ऑप्शन सी ब्रिटेन से, ऑप्शन डी दक्षिण अफ्रीका से। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी आयरलैंड से। कई सारे ऐसे व्यक्तियों का नाम आपने सुना होगा, जैसे हाल ही में सुधा मूर्ति का नाम आपने सुना होगा, जो आपकी नारायण मूर्ति की वाइफ है और ऋषि सुनक जो ब्रिटिश पीएम है उनकी सास है, ये तो इनका नाम आपने सुना होगा। इनको अभी इसके पहले पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था। तो ये एक बहुत बड़ी समाज सेविका हैं और इनका योगदान समाज सेवा के क्षेत्र में बहुत ज़्यादा रहा है, महिलाओं के सशक्तिकरण में बहुत बड़ा योगदान दिया था। तो राष्ट्रपति ने इन्हें अभी हाल ही में राज्यसभा का सदस्य मनोनीत किया है। इसके अतिरिक्त बड़ी बड़ी ख्यात प्राप्त लोगों का आपने नाम सुना होगा, जैसे आपने नाम सुना होगा सचिन तेंदुलकर का, सचिन का नाम सुना होगा,
ये भी कहाँ से चुन के आए थे? साहित्य कला के क्षेत्र से चुन के आए थे राज्यसभा में। तो ये कुछ बात होती है जिसमें राष्ट्रपति को विशेष शक्तियाँ प्राप्त होती हैं। ये प्रावधान हमने लिया था आयरलैंड के संविधान से। आयरलैंड से एक चीज़ और हमने क्या ली थी, नीति निर्देशक तत्वों को। अगला प्रश्न है, भारत के न्यायवादी के संबंध में सही कथन है। हमारे ऑप्शन है, ऑप्शन ए राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपना पद धारण करता है, ऑप्शन बी अनुच्छेद 76 के तहत इसका सृजन किया जाता है, ऑप्शन सी उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश बनने की योग्यता रखता हो, या ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। भारत के न्यायवादी, भारत के महान्यायवादी, महान्यायवादी, भारत के महान्यायवादी के संबंध में सारे कथन क्या होंगे यहाँ पर सही होंगे, कि बिल्कुल साथ बात ये सही है कि राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत ही अपना पद ग्रहण करता है। 76 जो अनुच्छेद है उस पर ये लिखा हुआ है। अनुच्छेद 76 के तहत इसका सृजन किया जाता है, इसकी नियुक्ति कौन करेगा? राष्ट्रपति करेगा। राष्ट्रपति स्वयं न करके मंत्रिमंडल की सलाह पर करेगा। उच्चतम न्यायालय की न्यायाधीश बनने की योग्यता वह व्यक्ति रखता हो, ऐसे व्यक्ति को महान्यायवादी बनाया जा सकता है। और वर्तमान में महान्यायवादी कौन है? आपके आर वेंकट रमणी, आर वेंकटरमणी वर्तमान में महान्यायवादी हैं। आगे चलते हैं, अगला प्रश्न है, भारत के महान्यायवादी को संसद के सदस्यों के समान शक्तियां प्राप्त है, इसका प्रावधान किस अनुच्छेद में मिलता है? हमारे ऑप्शन है अनुच्छेद 76, अनुच्छेद 108, अनुच्छेद 105 या अनुच्छेद 88। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी अनुच्छेद 105। अनुच्छेद 105 में यह कहा गया है कि जो संसद के सदस्य हैं उनको कुछ विशेषाधिकार प्रदान किए जाएंगे, उनको कुछ ऐसी सुविधाएं प्रदान की जाएंगी जो आम नागरिकों को प्रदान नहीं की जाती हैं। इनको इसलिए प्रदान की जा रही है, जैसे सिविल न्यायालयों से इनको क्या मिली जाएगी, संरक्षा मिलेगी। इसी प्रकार महान्यायवादी को भी कुछ सुविधाएँ प्रदान की गई है, इसका जिक्र भी कहाँ मिलता है? आपके अनुच्छेद 105 के तहत मिलता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 105। अगला प्रश्न है, वर्तमान में भारत के महान्यायवादी कौन है? हमारे ऑप्शन है, ऑप्शन ए के वेणुगोपाल, ऑप्शन बी आर वेंकटरमणी, ऑप्शन सी तुषार मेहता या ऑप्शन डी राजीव खन्ना। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी आर वेंकटरमणी। इसके पहले के वेणुगोपाल थे, तुषार मेहता अभी हमारे भारत के महाधिवक्ता हैं, राजीव खन्ना की बात करें तो ये सुप्रीम कोर्ट के एक सम्मानपात्र जज हैं। अगला है, महान्यायवादी बनने के लिए आवश्यक शर्त क्या है? हमारे ऑप्शन है, ऑप्शन ए सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश बनने की योग्यता रखता हो, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश बनने की योग्यता रखता हो, ऑप्शन सी सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश बनने की योग्यता रखता हो, या ऑप्शन डी संसद के सदस्य बनने की योग्यता रखता हो। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश बनने की योग्यता रखता हो। ऐसे व्यक्ति को राष्ट्रपति मंत्रिमंडल के सिफारिश पर महान्यायवादी के पद पर नियुक्त कर सकता है, जो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत ही अपने कार्य को ग्रहण करेगा। इसकी सेवा शर्तें वेतन भत्तों का निर्धारण राष्ट्रपति द्वारा की जाएगी। ये बात मिलती है किस पे? आपके सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश बनने की योग्यता रखने वाले महान्यायवादी के संबंध में। अगला प्रश्न है, महान्यायवादी संसद के किसी भी सदन की बैठक में शामिल हो सकता है, वाद विवाद कर सकता है, किंतु वोट नहीं दे सकता है, यह प्रावधान किस अनुच्छेद में किया गया है? बहुत ही अच्छा प्रश्न है कि जो महान्यायवादी होता है संसद के किसी भी सदन में, चाहे वो राज्यसभा हो चाहे लोकसभा हो, उनकी बैठकों में शामिल हो सकता है, वाद विवाद कर सकता है, किसी मुद्दे पे बात रख सकता है, लेकिन वोट देने की जब बात आती है कि कोई भी विधेयक पारित हो रहा है तो उसमें वोट देने मत देने की बात आ जाए तो उसमें उसका अधिकार नहीं होता है। यह प्रावधान संविधान में किस अनुच्छेद के तहत इन्हें प्रदान किया गया है? हमारे ऑप्शन है, ऑप्शन ए अनुच्छेद 102, ऑप्शन बी अनुच्छेद 105, ऑप्शन सी अनुच्छेद 76 या ऑप्शन डी अनुच्छेद 88। जिसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी अनुच्छेद 88। अनुच्छेद 88 में ना केवल न्याय महान्यायवादी का जिक्र मिलता है, बल्कि आपका जो मंत्री होते हैं मंत्री भी के लिए भी यही सुविधा प्रदान की जाती है। जैसे कैबिनेट मंत्री में आपने सुना होगा पीयूष गोयल का नाम सुना होगा, तो पीयूष गोयल आपके कहाँ पर राज्यसभा प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, लेकिन अगर बात हो जाए कि वो किस सदन में बैठक में भाग ले रहे हैं तो दोनों सदनों में बैठक में भाग लेते हैं, वो राज्यसभा में देते हैं और लोकसभा में होते हैं। लेकिन जब वोटिंग की बात आती है, जब लोकसभा में कोई बहुमत कोई विधेयक लाया जाता है उस पर वोटिंग की बात होगी, तो वहाँ पर पीयूष गोयल जी क्या कर पाएंगे? अपने वोट को नहीं डाल पाएंगे।
तब वो वोट कहाँ से डालेंगे? राज्यसभा के सदस्य, राज्यसभा में जब वो विधेयक आएगा उस पर वोटिंग होगी, उस पर ज़रूर वोट डाल सकते हैं, बहस कर सकते हैं, लोकसभा में बैठ के बैठ बहस कर सकते हैं, राज्यसभा में बैठ बहस कर सकते हैं, लेकिन वोट डालने का अधिकार वो जिस सदन में रहते हैं उन्हीं पे मिलेगा। तो यही बात महान्यायवादी के संबंध में है। अब महान्यायवादी संसद के किसी भी सदन का सदस्य तो होता नहीं है, लेकिन उसके पास यह सुविधा है कि वो किसी भी सदन की बैठक में भाग ले और अपने मत प्रकट कर सके। अगले प्रश्न पे आते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, उपराष्ट्रपति बनने के लिए आवश्यक अर्हताएं क्या हैं? हमारे ऑप्शन है, वह भारत का, वह सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश हो, भारत का नागरिक हो, पैंतीस वर्ष की आयु पूर्ण कर चुके हो, राज्यसभा सदस्य बनने की योग्यता रखता हो। यहाँ पर प्रश्न याद सुधार लीजिएगा, यहाँ पर प्रश्न ऐसा है, उपराष्ट्रपति बनने के लिए आवश्यक अर्हताएं नहीं हैं, वह सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश हो, भारत का नागरिक हो, 35 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका हो, या डी राज्यसभा सदस्य बनने की योग्यता रखता हो। इसका सही जवाब हो जाएगा, वह सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश हो। तो ऐसा कोई विशेष रूप से ऐसा, हालांकि कई सारे न्यायाधीश ऐसे हुए हैं जो आपके उपराष्ट्रपति पद पर भी विराजमान हुए हैं, लेकिन ऐसा नहीं है, वो कार्यवाहक के तौर पे अपना जो है कर्तव्य निर्वाहे हैं, लेकिन ये बात नहीं है कि उन्हें एक विशेष रूप से अर्हता में शामिल कर लिया जाए, अर्हताओं में इन्हीं चीज़ों को शामिल कर लिया जाएगा। अब देखिए, यहाँ पर अगर बात की जाए राज्यसभा सदस्य बनने की अयोग्यता रखता हो, तो अगर ये प्रश्न रहते तो ये भी गलत हो जाता, तो दो ऑप्शन जो हो जाते वो गलत हो जाते, तो यही चीज़ क्या हो जाती, हमारे उत्तर हो जाते ए और डी, वह भारत का नागरिक हो, ये बात सही है, 35 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका हो, ये भी बात सही है। अगले प्रश्न पे आते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के लिए एक शब्द सुना जाता है, वह है लाभ का पद, इसके अंतर्गत क्या क्या शामिल नहीं है? हमारे ऑप्शन है स्वयं का व्यवसाय हो, किसी कंपनी में एक कर्मचारी हो, या सी किसी राज्य का उपराज्यपाल हो, या डी किसी सरकार के सार्वजनिक उपक्रम का मैनेजर हो। बहुत ही आसान सा सवाल है, और आप सुनते रहते होंगे कि राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति या प्रधानमंत्री इत्यादि की जब बात आती है तो उनकी योग्यताओं में एक जिक्र मिलता है कि लाभ का पद धारण करने वाला नहीं होना चाहिए। अब बताइए कि लाभ का पद इनमें से कौन सा नहीं है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा, किसी राज्य का उपराज्यपाल होना, किसी राज्य का उपराज्यपाल होना लाभ का पद नहीं है, लेकिन अगर आप कोई व्यवसाय स्वयं का खोल के रखे हैं और उस पर आप अपनी उसमें आपको आमदनी मिल रही है, आपके नाम से व्यवसाय है, तो वो लाभ का पद है। किसी कंपनी में एक कर्मचारी है, वो भी लाभ का पद है। किसी सरकार के सार्वजनिक उपक्रम का मैनेजर है, वो भी एक लाभ का पद है। तो किसी राज्य का चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, उपराष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में कौन शामिल होता है? हमारे ऑप्शन है, संसद के दोनों सदनों के सदस्य, संसद के दोनों सदनों के केवल निर्वाचित सदस्य, सी राज्य विधानसभाओं तथा संसद के समस्त सदस्य, या डी संसद तथा राज्य तथा दिल्ली एवं पुदुचेरी के सदस्य। उपराष्ट्रपति की बात हो रही है, इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, संसद के दोनों सदस्य, चाहे वो निर्वाचित हों या मनोनीत, निर्वाचित या मनोनीत, दोनों प्रकार के लोग इसमें शामिल होंगे। राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में आपने देखा था कि केवल आपके निर्वाचित व्यक्ति ही शामिल होते हैं उसके चुनाव में, चाहे राज्यसभा की बात हो या विधानसभाओं की बात हो, वहाँ पर केवल निर्वाचित सदस्य ही शामिल होते हैं, लेकिन उपराष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में केवल केंद्र के जो संसद है उसमें दोनों सदनों के सदस्य शामिल होंगे। अगला प्रश्न है, यदि राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के चुनाव संबंधी विवाद उत्पन्न होते हैं तो इसके संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? हमारे ऑप्शन है, ऑप्शन ए इसकी सुनवाई केवल उच्चतम न्यायालय में होगी, इसकी सुनवाई उच्च न्यायालय में भी हो सकती है, सी इसकी सुनवाई हेतु न्यायालय जाने की आवश्यकता नहीं है, डी चुनाव आयोग इसकी सुनवाई अकेले कर सकता है। बहुत ही शानदार प्रश्न है, अगर आप इसको ध्यान से देखें तो समझ में आएगा कि प्रश्न की ऑप्शन और प्रश्न का जो तरीका है वो किस प्रकार का है।
शब्दों से खेलने का प्रयास किया है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, सुनवाई केवल उच्चतम न्यायालय में की जाएगी। अब ध्यान दीजिए कि राष्ट्रपति का पद कितना बड़ा पद है। उपराष्ट्रपति का पद बहुत बड़ा पद होता है। कार्यपालिका शक्ति का प्रमुख होता है कौन? राष्ट्रपति। अब इतने बड़े पद की सुनवाई क्या आप हाई कोर्ट में करने जाओगे? जो पूरे देश का प्रतिनिधित्व कर रहा है उसके क्या हाई कोर्ट में सुनवाई करने जाओगे? नहीं। क्या वो चुनाव आयोग जो केवल चुनाव का संपन्न करवा रहा है क्या राष्ट्रपति के ऊपर उंगली उठा सकता है? क्या नहीं। लेकिन हमारे संविधान का प्रहरी कौन है? सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीमो पावर है उसके पास। वो हमारे संविधान में कोई गड़बड़ी ना हो इसके लिए हमेशा नज़र रखता है। उसके संबंध में ही अगर राष्ट्रपति के चुनाव या उपराष्ट्रपति के चुनाव में दिक्कतें आती हैं तो उसकी सुनवाई कहाँ पर होगी? उच्चतम न्यायालय में। उच्चतम न्यायालय में सुनवाई होती है आर्टिकल 71 के तहत, 71 के तहत सुनवाई होती है। और अगर मान लीजिए कि चुनाव किसी कारण से अवैध करार कर दिया जाता है तो राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति द्वारा किए गए जो कार्य होंगे वो वैध ही होंगे। ध्यान से सुनिएगा, राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति जो भी कार्य किया है वो सारे वैध होंगे, चाहे उनका चुनाव आगे चल के रद्द ही क्यों ना हो जाए। अगले प्रश्न पे आते हैं, यदि सरकार के खिलाफ निंदा प्रस्ताव पारित हो जाए तो क्या परिणाम होंगे? हमारे ऑप्शन है, ऑप्शन ए सरकार को त्याग पत्र देना पड़ सकता है, ऑप्शन बी सरकार को विश्वास मत प्रमाणित करना चाहेगी, ऑप्शन सी मंत्रिपरिषद का गठन हो जाएगा, या डी या केवल लोकसभा में विपक्ष द्वारा लाया जा सकता है। देखिए, निंदा प्रस्ताव होता है और दूसरा होता है एक अविश्वास प्रस्ताव। निंदा होता है और अविश्वास प्रस्ताव, दो प्रकार के प्रस्ताव होते हैं। दोनों जो प्रस्ताव होते हैं वो विपक्ष के द्वारा ही लाए जाते हैं और लोकसभा में ही प्रस्तुत किए जाएंगे। दोनों प्रस्ताव लोकसभा में लाएंगे, विपक्ष के द्वारा लाए जाएंगे। लेकिन निंदा प्रस्ताव की खासियत क्या होती है? ये किसी मंत्री के लिए लाया जाएगा या मंत्रिपरिषद के कार्यों के लिए लाया जाएगा, के कार्यों के खिलाफ लाएगा। और अगर ये निंदा प्रस्ताव लाया जाता है और ये पता चलता है कि निंदा प्रस्ताव पास नहीं होता है, मतलब पास हो जाता है विपक्ष का निंदा प्रस्ताव, तो उसके बाद देखिए हो सकता है कि आपको मंत्रिमंडल को फिर बाद में विश्वास मत भी प्रमाणित करना पड़े, लेकिन उसका विघटन नहीं होगा, ठीक है, और उसकी सरकार बनी रहेगी और सरकार त्यागपत्र भी नहीं देगी। ये स्थिति होगी निंदा प्रस्ताव में। अविश्वास प्रस्ताव में क्या होता है कि अगर ये प्रस्ताव पारित हो जाता है तो फिर बाद में सरकार को, मंत्रिपरिषद को क्या देना पड़ता है? त्यागपत्र देना पड़ता है। लेकिन निंदा प्रस्ताव में ऐसी स्थिति उत्पन्न नहीं होती है। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? केवल लोकसभा में विपक्ष द्वारा लाया जा सकता है, राज्यसभा में इसका कोई दायित्व नहीं होता है। अगले प्रश्न पे आते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, मंत्रिमंडल का प्रावधान कब संविधान में जोड़ा गया? संविधान में कब मंत्रिमंडल का प्रावधान जोड़ा गया? हमारे ऑप्शन है, ऑप्शन ए 1976, ऑप्शन बी 1978, ऑप्शन सी 1972 या ऑप्शन डी 1950। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी 1978। 1978 में 44th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट होता है, संविधान संशोधन होता है। मोरारजी देसाई की सरकार होती है, गैर कांग्रेसी सरकार होती है और 42वें संविधान संशोधन के तहत जो भी संशोधन किए गए थे उसमें काफ़ी सारे परिवर्तन करती है। इसी संबंध में आर्टिकल 352 में संशोधन होता है और उसके तहत मंत्रिमंडल शब्द को जोड़ा जाता है। 352 में मंत्रिमंडल को जोड़ा जाता है, जिसके अंतर्गत यह लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है कि मंत्रिमंडल के लिखित हस्ताक्षर के उपरांत ही राष्ट्रपति आपातकाल की घोषणा कर सकता है। ध्यान से सुनिएगा, मंत्रिमंडल के लिखित हस्ताक्षर के उपरांत ही राष्ट्रपति आपातकाल की घोषणा कर सकता है। ये बात मिलती है कहाँ पर? आर्टिकल 352 में 44वें संविधान संशोधन के द्वारा इसको जोड़ा गया था। अगले प्रश्न पे आते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, चर्चा में रहे किचन कैबिनेट का संबंध किससे है? मंत्रिमंडल से, बी आंतरिक मंत्रिमंडल से, सी उप मंत्रियों से या डी खाना बनाने वाले मंत्रियों से? बताइए जल्दी से, किचन कैबिनेट का संबंध किससे है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका आंतरिक मंत्रिमंडल से। देखिए, ये जो कैबिनेट रही है, किचन कैबिनेट, ये ऐसे मंत्रिमंडल होते हैं जिसमें प्रधानमंत्री तो होता ही है, प्रधानमंत्री, उसकी मंत्रिपरिषद के कुछ सदस्य शामिल होंगे, साथ ही कुछ ऐसे विशेषज्ञ होंगे या परिवार के सदस्य शामिल होंगे जो सरकार के संचालन में सहायता प्रदान करेंगे। यह देखने को कम मिला पहली बार इंदिरा गांधी की सरकार में। इंदिरा गांधी की सरकार में सबसे पहली बार यह शब्द सुनने को मिलता है।
ये क्या करते हैं, इनका कार्य क्या होता है कि ये महत्वपूर्ण निर्णय होते हैं, जो सरकार के महत्वपूर्ण कार्यवाही होती है, सरकार के महत्वपूर्ण कदम उठाए जाने वाले होते हैं, प्रमुख योजनाओं के क्रियान्वयन के संबंधी होते हैं, प्रमुख नियम कानून बनाने संबंधी सुझाव होते हैं, वो मुख्य रूप से आंतरिक मंत्रिमंडल मिलकर देती है। इसी को क्या कहा जाता है, कुछ राजनीतिक विज्ञानों ने, विद्वानों ने इनको क्या कहा है, किचन कैबिनेट की संज्ञा भी दी है। अगला प्रश्न है, उप प्रधानमंत्री के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। ध्यान से सुनिएगा, उप प्रधानमंत्री की बात हो रही है यहाँ पर। हमारे ऑप्शन है, इसका वर्णन संविधान में वर्णित है। बी, अगर प्रधानमंत्री की मृत्यु हो जाती है तो उप प्रधानमंत्री प्रधानमंत्री के दायित्व का निर्वहन करेगा। ऑप्शन सी, उप प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद का भाग नहीं होता है। या ऑप्शन डी, यह एक गैर संवैधानिक पद है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा, यह एक गैर संवैधानिक पद है, क्योंकि संविधान में कहीं भी इसका उल्लेख देखने को नहीं मिलता है। हालांकि 1996-97 में जब देवीलाल मुख्यमंत्री उप प्रधानमंत्री बनते हैं तो सुप्रीम कोर्ट के पास एक याचिका दायर की जाती है कि ये एक गैर संवैधानिक पद है, इसको नहीं दिया जाना चाहिए। इससे क्या होता है, राजनीतिक इच्छा शक्तियों की पूर्ति के लिए यह पद सृजित किया गया है, तो इसको नहीं किया जाना चाहिए। इसके संबंध में सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि नहीं, ये पद जो है एक प्रकार से जिस प्रकार के मंत्रिपरिषद के अन्य मंत्री होते हैं वैसे ही है, इसका दायित्व तो इस प्रकार भी नहीं है कि वो जैसे उपराष्ट्रपति का होता है कि प्रधानमंत्री नहीं होता है तो राष्ट्रपति नहीं होता है तो उपराष्ट्रपति अपने दायित्व को निर्वहन करेगा, ऐसा कुछ ऐसा प्रावधान नहीं है, इसलिए ऐसे पद बने रहना चाहिए, ये सुप्रीम कोर्ट का मत था। लेकिन यहाँ पर प्रश्न क्या है, उप प्रधानमंत्री के संबंध में कौन सा कथन सत्य है, तो ये तीनों कथन जो है असत्य हैं, और सत्य कथन कौन सा है, यह एक गैर संवैधानिक पद है। अभी हाल ही में उप मुख्यमंत्री को लेकर भी काफ़ी चर्चा रही, और उसमें भी अभी क्या हुआ कि आपने देखा होगा कि महाराष्ट्र में, आपने मध्य प्रदेश में देखा, आपने छत्तीसगढ़ में देखा, राजस्थान में देखा, तो सब में उप मुख्यमंत्री का चयन किया गया है। अब उप मुख्यमंत्री के संबंध में फिर से सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई, और याचिका में फिर वही कथन सुप्रीम कोर्ट ने दिया कि यह पद नॉर्मल है, इसमें किसी विशेष प्रकार के दायित्व तो उसको नहीं सौंपे गए हैं, इसलिए ऐसे पद बने रह सकते हैं। यह भी हाल ही का मुद्दा रहा है। अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। हमारे ऑप्शन है, ऑप्शन ए, इन्हें संसद के सदस्य होना अनिवार्य है, केवल लोकसभा के बहुमत दल का नेता ही बन सकता है, इसकी नियुक्ति राष्ट्रपति के माध्यम से की जाती है, या डी, जनता प्रत्यक्ष रूप से प्रधानमंत्री का चयन करती है। तो बताइए आप, क्या जनता प्रत्यक्ष रूप से प्रधानमंत्री का चयन करती है क्या? आप लोग बोल देंगे कि हाँ करती है, हमने तो मोदी जी को चुना था, मोदी जी को प्रधानमंत्री चुना था, पर क्या ऐसा है क्या? नहीं, क्योंकि मोदी जी लोकसभा के एक सदस्य हैं, जो कहाँ से चुन के आते हैं, आपके वाराणसी से, वाराणसी लोकसभा क्षेत्र से चुन के आते हैं। तो उनको चुनाव किस रूप में हुआ? एक लोकसभा सदस्य के रूप में हुआ, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के रूप में हुआ। तो हम डायरेक्ट प्रधानमंत्री को नहीं चुन सकते हैं, प्रधानमंत्री की नियुक्ति की जाती है किसके माध्यम से? राष्ट्रपति के माध्यम से। तो सही जवाब क्या हो जाएगा इसका? ऑप्शन सी, केवल लोकसभा का बहुमत दल का नेता होना चाहिए, यह ऐसा जरूरी भी नहीं है, क्योंकि राज्यसभा के सदस्य भी इसमें शामिल हो जाते हैं, जैसे इंदिरा गांधी, एसडी देवगौड़ा का नाम आपने सुना होगा, मनमोहन सिंह का नाम सुना होगा, वो राज्यसभा से चुन के आए थे। संसद का सदस्य होना अनिवार्य है, तो 6 माह के बाद संसद का सदस्य होना अनिवार्य है, 6 माह तक वो बिना संसद का सदस्यता ग्रहण किए हुए भी प्रधानमंत्री के पद का उत्तरदायित्व तो निभा सकता है। अगले प्रश्न पे आते हैं, हमारा अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री के शपथ का प्रावधान कहाँ पर किया गया है। हमारे ऑप्शन है, अनुच्छेद 74 में, ऑप्शन बी अनुच्छेद 75 में, ऑप्शन सी अनुसूची 2 में, या ऑप्शन डी अनुसूची 3 में। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी अनुसूची 3 में। अनुसूची 2 में क्या है, अनुसूची 2 में विभिन्न पदाधिकारियों के वेतन और भत्ते हैं। अनुसूची 3 में है प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद, साथ ही जो विभिन्न प्रकार के पद हैं, जैसे आपने नाम सुना सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश, CAG, लोकसभा अध्यक्ष, इन सब के जो लोकसभा अध्यक्ष बोल रहा हूँ, लोकसभा सदस्यों के जो आपके गोपनीयता और पद संबंधी शपथ है, इसका वर्णन कहाँ पर मिलता है? अनुसूची 3 में। लेकिन अनुसूची 3 में 3 लोगों का वर्णन नहीं मिलता है, किनका? राष्ट्रपति का, राज्यपाल का और उपराष्ट्रपति का, इनके वर्णन है। तो अलग अलग प्रावधान दिए गए हैं, जैसे
राष्ट्रपति के लिए आर्टिकल 59, आर्टिकल 60 है। राज्यपाल के लिए 159 और उपराष्ट्रपति के लिए 69। तो ये अनुच्छेद मिलते हैं किनके संबंध में, इनके शपथ के संबंध में। लेकिन बाकी इसके अतिरिक्त जो पदाधिकारी हैं उनकी शपथ अनुसूची 3 के तहत प्रदान की जाती है। अनुच्छेद 74 में आपको पता है क्या जिक्र मिलता है कि राष्ट्रपति की सहायता के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी जिसका प्रमुख कौन होगा, प्रधानमंत्री। अनुच्छेद 75 में प्रधानमंत्री की नियुक्ति के बारे में चर्चा की गई है और उसकी सलाह पर अन्य मंत्रियों की नियुक्ति की चर्चा की गई है। अनुसूची 2 में वेतन भत्तों का जिक्र मिलता है। अगला है, उपराष्ट्रपति के लिए संकल्प प्रस्ताव के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है, इसे संसद के किसी भी सदन से पारित किया जा सकता है, डी बी इसे केवल लोकसभा में पारित किया जा सकता है, इसका प्रारंभ राज्यसभा से ही हो सकता है, या डी संकल्प पारित करने हैं तो 28 दिनों के पूर्व अधिसूचना दी जाती है। अभी ये समझिए संकल्प प्रस्ताव होता क्या है उपराष्ट्रपति के संबंध में। जैसे राष्ट्रपति को हटाने के लिए महाभियोग प्रस्ताव लाया जाता है, उसी प्रकार उपराष्ट्रपति को उसके पद से हटाने के लिए, हालांकि कोई ऐसा आधार सिद्ध नहीं है कि कौन सा आधार होगा कि उपराष्ट्रपति को हटाया जाए, लेकिन जैसे राष्ट्रपति के लिए है कि संवैधानिक अतिक्रमण, संविधान का जब अतिक्रमण कर देगा तो उसको हटाने के लिए महाभियोग प्रस्ताव लाया जा सकता है, लेकिन उपराष्ट्रपति के संबंध में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है। तो अब क्या करता है कि ये उपराष्ट्रपति होता क्या है, राज्यसभा का सभापति होगा, तो इसके लिए राज्यसभा में संकल्प लाया जाता है 14 दिन के पूर्व अनुमति पर। 14 दिन के पूर्व घोषणा पर 1/4 सदस्य पहले निर्धारित करेंगे कि हम उपराष्ट्रपति के लिए एक संकल्प ला रहे हैं इन्हें हटाने के लिए, फिर वो 2/3 बहुमत से अगर पास हो जाता है फिर दूसरे सदन में जाता है और वहाँ भी पास हो जाता है तो उपराष्ट्रपति का पद रिक्त हो जाता है। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, इसका प्रारंभ राज्यसभा से ही हो सकता है, लोकसभा से प्रारंभ नहीं होगा। अगले प्रश्न पे आते हैं, अनुच्छेद 65 का संबंध किससे है। हमारे ऑप्शन है, ऑप्शन ए उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होगा, बी राष्ट्रपति का पद रिक्त होने पर उपराष्ट्रपति के द्वारा राष्ट्रपति के कार्यों का कार्यान्वयन, ऑप्शन सी राष्ट्रपति के खिलाफ उच्चतम न्यायालय में कार्यवाही, या ऑप्शन डी उपराष्ट्रपति का कार्यकाल। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी राष्ट्रपति का पद रिक्त होने पर उपराष्ट्रपति के द्वारा राष्ट्रपति के कार्यों का कार्यान्वयन। देखिए उपराष्ट्रपति के कार्यकाल का जिक्र मिलता है आर्टिकल 66 पे, 67 में, सॉरी माफ कीजिएगा, इसका जिक्र मिलेगा आपको 67 में। राष्ट्रपति के खिलाफ उच्चतम न्यायालय की कार्यवाही का मिलेगा जिक्र आपको 71 में, और उपराष्ट्रपति का राज्यसभा के पदेन सभापति का जिक्र मिलता है 64 में। तो ऐसे कुछ बातें हैं, ध्यान से आप देखिएगा, ये सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी है, अगर प्रश्न इसके अतिरिक्त भी पूछा जाता है तो आपसे बन जाएगा। अगले प्रश्न पे आते हैं, हमारा अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति का शपथ किस अनुच्छेद के तहत किया जाता है। हमारे ऑप्शन है अनुच्छेद 60, अनुच्छेद 63, अनुच्छेद 3 या अनुच्छेद 69। उपराष्ट्रपति की बात हो रही है, उपराष्ट्रपति का शपथ किस अनुच्छेद के तहत किया जाता है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा अनुच्छेद 69 के तहत किया जाता है। और उपराष्ट्रपति किसकी शपथ लेता है कि मैं अपने पद की प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा और अपने द्वारा मेरे समक्ष लाए गए कार्यों का श्रद्धापूर्वक निर्वहन करूंगा। ये बात करता है कौन, उपराष्ट्रपति। और अगर राष्ट्रपति की शपथ की बात की जाए तो राष्ट्रपति संविधान के संरक्षण परिरक्षण और पर्यवेक्षण की शपथ प्रतिरक्षण की शपथ लेता है। अगले प्रश्न पे आते हैं, यदि प्रधानमंत्री की मृत्यु हो जाए तो क्या स्थितियां पैदा होगी। पहला है मंत्रिपरिषद पूर्णतः भंग हो जाएगी, ऑप्शन बी राष्ट्रपति किसी सदस्य को प्रधानमंत्री नियुक्त कर सकता है, ऑप्शन सी मंत्रिपरिषद बनी रहेगी, या ऑप्शन डी ये लोकसभा का विघटन हो जाएगा। यहाँ लोकसभा का विघटन हो जाएगा। तो आपको पता है जब प्रधानमंत्री क्या हो जाए, अपना त्यागपत्र दे दे, या प्रधानमंत्री की आकस्मिक मृत्यु हो जाए, जैसा कि लाल बहादुर शास्त्री के दौरान हुई, जवाहरलाल नेहरू के दौरान हुई, इंदिरा गांधी के दौरान हुई, तो उस स्थिति में जो पूरी मंत्रिपरिषद होती है वो भंग हो जाती है, मंत्रिपरिषद भंग हो जाएगी। अब मंत्रिपरिषद का भंग होने का अर्थ ये नहीं है कि लोकसभा भी भंग हो गई, उसका विघटन हो गया, ऐसा नहीं है, केवल मंत्रिपरिषद क्या हो जाएगी, पूर्णतः भंग हो जाएगी। तो सही जवाब क्या होगा, ऑप्शन ए। फिर अगर उनकी मृत्यु हो जाती है तो उसके बाद राष्ट्रपति ये देखता है कि जो सदन है उसमें बहुमत दल का नेता कौन है,
और मान लीजिए कि स्पष्ट बहुमत नहीं है तो किसी भी व्यक्ति को प्रधानमंत्री पद के लिए उम्मीदवार के रूप में चयन कर सकता है। जैसा कि आपने देखा होगा कि जो चौधरी चरण सिंह थे, बीपी सिंह थे, इसके अतिरिक्त राजीव गांधी जी थे, उनके नियुक्ति के संबंध में राष्ट्रपति जो है काफ़ी सारी शक्तियाँ अपने पास ले लिया था। लेकिन ऐसा माना जाता है, ऐसा कहा जाता है कि अगर राष्ट्रपति किसी व्यक्ति को प्रधानमंत्री नियुक्त करना चाहता है तो उसको यह देखना पड़ेगा कि उसे लोकसभा में बहुमत प्राप्त है कि नहीं। हालांकि इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, मंत्रियों के वेतन भत्ते का निर्धारण कौन करता है? हमारे ऑप्शन है, ऑप्शन ए प्रधानमंत्री, ऑप्शन बी राष्ट्रपति, ऑप्शन सी भारतीय संसद या ऑप्शन डी संविधान। मंत्रियों के वेतन भत्ते का निर्धारण कौन करता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी भारतीय संसद। भारतीय संसद ने समय समय पर मंत्रियों के वेतन भत्ते को तय करने के लिए अलग अलग संशोधित कानून लाए थे। अभी 2019 में भी इसके संबंध में कानून लाया गया था। और देखिए, मंत्रियों की नियुक्ति कौन करवाता है? प्रधानमंत्री। किसके माध्यम से करवाता है? राष्ट्रपति के माध्यम से। लेकिन भारत की संसद जो है, भारत के संचित निधि से कितना धन निकाला जाएगा, कितना व्यय किया जाएगा, किस पर? मंत्रियों पे। ये तय करता है कौन? भारतीय संसद। तो इस सब इसका जवाब क्या हो जाएगा? भारतीय संसद। अगर सैलरी की बात की जाए कि किसकी क्या सैलरी है, तो 5 लाख सैलरी मिलती है किनको? 5 लाख मिलती है किनको? राष्ट्रपति को। 4 लाख मिलती है किनको? उपराष्ट्रपति को। 3.5 लाख मिलती है किनको? राज्यपाल को। और अन्य जो मंत्री होते हैं और किसी राज्य के सीएम होते हैं, प्रधानमंत्री होते हैं, उनकी सैलरी जो होती है इन्हीं के, इनसे कम होती है। तो ये बात क्या हो गई? महत्वपूर्ण जो प्रमुख पदाधिकारी हैं उनके वेतन भत्तों की बात हुई। अगले प्रश्न पे आते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, महान्यायवादी के वेतन भत्तों का निर्धारण कौन करता है? महान्यायवादी के बारे में हमने थोड़ी चर्चा की थी कि आर्टिकल 76 के तहत राष्ट्रपति महान्यायवादी की नियुक्त करेगा और उसी के प्रसाद पर्यंत अपने पद को ग्रहण करेगा। हमारे ऑप्शन है, भारत की संसद, बी राष्ट्रपति, सी प्रधानमंत्री या डी संसद। अब यहाँ पर लिखा है भारत के सांसद, ध्यान से पढ़िएगा, यानी कि लगा के चले आए। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी राष्ट्रपति। वेतन भत्ते, सेवा शर्तें, सभी का निर्धारण महान्यायवादी के कौन करेगा? राष्ट्रपति। जैसे वर्तमान में आर वेंकट रमणी क्या है? हमारे यहाँ के महान्यायवादी हैं। और हमारी राष्ट्रपति कौन है? महामहिम द्रौपदी मुर्मू। तो द्रौपदी मुर्मू ही इनके समस्त वेतन भत्तों का निर्धारण करेंगे। अगले प्रश्न है, भारत के पहले कार्यवाहक प्रधानमंत्री कौन नियुक्त किए गए? हमारे ऑप्शन है, ऑप्शन ए जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन बी गुलजारीलाल नंदा, ऑप्शन सी वल्लभ भाई पटेल या ऑप्शन डी इंदिरा गांधी। तो इसका सही जवाब हो जाएगा गुलजारीलाल नंदा। गुलजारीलाल नंदा आपके जब जवाहरलाल नेहरू की मृत्यु हुई या इसके बाद लाल बहादुर शास्त्री की आकस्मिक मृत्यु हो जाती है, तो उस दौरान कौन अध्यक्षता, कौन प्रधानमंत्री बनता है? अस्थायी तौर पर गुलजारीलाल नंदा। अगले प्रश्न पे आते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, भारत में सबसे उम्रदराज प्रधानमंत्री कौन रहा है? हमारे ऑप्शन है, ऑप्शन ए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, ऑप्शन बी मोरारजी देसाई, ऑप्शन सी राजीव गांधी, ऑप्शन डी अटल बिहारी वाजपेयी। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी मोरारजी देसाई। मोरारजी देसाई का संबंध कहाँ से माना जाता है? बॉम्बे प्रांत से। वहाँ के ये सीएम भी रह चुके थे और पहली गैर कांग्रेसी सरकार सरकार 1977 में इनके नेतृत्व में बनाई गई थी। लेकिन हालांकि 1979 में इनकी सरकार गिर जाती है और ये अपना इस्तीफा प्रदान कर देते हैं। राजीव गांधी की अगर बात करें तो राजीव गांधी सबसे कम उम्र के आपके प्रधानमंत्री रहे हैं। अटल बिहारी वाजपेयी 10वें क्रम के प्रधानमंत्री थे, जिनका संबंध मध्य प्रदेश के ग्वालियर से माना जाता है और इनके जन्म दिवस पर सुशासन दिवस मनाया जाता है। प्रधानमंत्री मोदी पहले ऐसे प्रधानमंत्री रहे हैं जिनका जन्म आज़ादी के उपरांत हुआ है। आज़ाद भारत में जन्मे पहले प्रधानमंत्री हैं। अगला है, राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति को संबोधित करके त्यागपत्र दे सकता है।
उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति को संबोधित करके त्यागपत्र दे सकता है। यदि दोनों के चुनाव को अवैध करार कर दिया जाता है तो उनके द्वारा किए गए कार्य तब भी मान्य होंगे। उपयुक्त सभी कथन सत्य हैं। तो बिल्कुल बात तो सही है कि राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति को संबोधित करके अपना त्यागपत्र दे देता है। दूसरी बात, उपराष्ट्रपति भी राष्ट्रपति को अपना त्यागपत्र दे देता है। और मैंने जैसा इसके पहले भी चर्चा की थी, आर्टिकल 71 के तहत अगर उच्चतम न्यायालय यह सुनवाई करता है और उसके द्वारा यह कह दिया जाता है कि जो राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति का चुनाव है वो अवैध है, तो पूरी वहाँ पर राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति का पद रिक्त हो जाएगा। लेकिन इन दौरान जो राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति द्वारा कार्य किए गए हैं वो सब क्या होंगे, मान्य होंगे। चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, सबसे लंबे समय तक एक ही विभाग के में कैबिनेट मंत्री के रूप में सत्ता संभालने वाला कौन है? हमारे ऑप्शन है, ऑप्शन ए जगजीवन राम, ऑप्शन बी बी पी चिदंबरम, ऑप्शन सी राजकुमारी अमृत कौर, या ऑप्शन डी निर्मला सीतारमण। निर्मला सीतारमण अभी एक फोर्ब्स की सूची आई थी जिसमें भारत की सबसे शक्तिशाली महिलाओं की सूची आई थी, उसमें विश्व की सबसे शक्तिशाली महिलाओं की सूची में तो इनका नाम, निर्मला सीतारमण का नाम 32वें स्थान पर मिलता है। भारत में सबसे पहले स्थान पर इनका नाम मिलता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, राजकुमारी अमृत कौर। ये स्वास्थ्य विभाग इनके स्वास्थ्य विभाग जो था इनके अधीन स्थापित था सबसे लंबे समय तक। जगजीवन राम की अगर बात करें तो केंद्र में सबसे लंबे समय तक कैबिनेट मंत्री के रूप में अपना कार्यभार संभाला था। पी चिदंबरम भी जो मनमोहन सिंह की सरकार थी उस दौरान ये वित्त मंत्री का कार्यभार संभाले थे। अगला है, निम्नलिखित में से कौन भारत का उप प्रधानमंत्री नहीं रहा है? हमारे ऑप्शन है लाल कृष्ण आडवाणी, ऑप्शन बी मोरारजी देसाई, ऑप्शन सी चौधरी चरण सिंह, या ऑप्शन डी देवी लाल। तो इसका सही जवाब जल्दी से कमेंट कर दीजिए। ये आपको कमेंट ही करना पड़ेगा, मैं इसका आंसर नहीं बताने वाला हूँ। मेरी खासियत होती है कि मैं कभी कभी अपने स्टूडेंट के ऊपर छोड़ देता हूँ कि जो प्रश्न है वो आप बताइए, तो इसका कमेंट में आप उत्तर जरूर दीजिएगा। हालांकि जब मैं इसकी PDF डालूंगा तो आपको इसका आंसर प्रदान कर दूंगा। अगले प्रश्न पे आते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, भारत का महाधिवक्ता वर्तमान में कौन है? हमारे ऑप्शन है, ऑप्शन ए आर वेंकटरमणी, ऑप्शन बी तुषार मेहता, ऑप्शन सी मनोज सिन्हा, या ऑप्शन डी के वेणु गोपाला। भारत का महाधिवक्ता की बात हो रही है, भारत का। अब महाधिवक्ता पद की अगर बात करें तो महान्यायवादी के सहयोग के लिए, उसकी सहायता के लिए दो पद सृजित किए गए जो संविधान में नहीं वर्णित थे, गैर संवैधानिक पद थे। एक पद था महाधिवक्ता, केंद्र का महाधिवक्ता, और उसके लिए अतिरिक्त अपर महाधिवक्ता, सॉलिसिटर जनरल और अपर सॉलिसिटर जनरल का पद नियुक्त किया गया। और अभी वर्तमान में इस पद पर कौन निवर्तमान है, वो है तुषार मेहता। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी। अगले प्रश्न पे आते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, मंत्रिपरिषद का भाग निम्नलिखित में से कौन है? हमारे ऑप्शन है कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार, ऑप्शन सी उप मंत्री, या ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। कैबिनेट मंत्री, मंत्रिपरिषद जो होता है उसकी संरचना कितनी होनी चाहिए, लोकसभा का 15% से अधिक नहीं होना चाहिए। कौन से संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया, 91वां संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया। जंबो कैबिनेट का संबंध किससे है, अटल बिहारी वाजपेयी के कैबिनेट से। यह हमारी चर्चा अभी कुछ देर पहले हो ही चुकी है इस बात पे। अगले प्रश्न पे आते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, ऐसे प्रधानमंत्री जो पहले किसी राज्य के मुख्यमंत्री थे कौन है? हमारे ऑप्शन है, ऑप्शन ए एच डी देवगौड़ा, ऑप्शन बी मोरारजी देसाई, ऑप्शन सी नरेंद्र मोदी, या ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। तो बात तो सही है, ये सभी सही प्रतीत हो रहे हैं। जैसे एच डी देवगौड़ा इसके पहले कर्नाटक के मुख्यमंत्री रहे थे, मोरारजी देसाई बंबई प्रांत के मुख्यमंत्री रहे थे, और नरेंद्र मोदी आपके गुजरात के मुख्यमंत्री रहे थे। तो सभी कथन क्या होंगे, सही होंगे। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी। अगले प्रश्न पे आते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, अनुच्छेद 74 का संबंध किससे है? हमारे ऑप्शन है, ऑप्शन ए राष्ट्रपति की सहायता हेतु एक मंत्रिपरिषद होगी जिसका प्रमुख प्रधानमंत्री होगा, ऑप्शन बी राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की नियुक्त करेगा और उसकी सलाह पर अन्य मंत्रियों की नियुक्त होगी, ये अन्य है।
राष्ट्रपति द्वारा मंत्रिपरिषद के संबंध में किए गए कार्यों की जानकारी प्रधानमंत्री प्रदान करवाएगा। उपयुक्त में से कोई नहीं, तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? आपका ऑप्शन ए, राष्ट्रपति की सहायता के लिए क्या होगी? एक मंत्री परिषद होगी जिसका प्रमुख प्रधानमंत्री होगा। ये बात लिखी हुई है अनुच्छेद 75 में, ये बात लिखी हुई है अनुच्छेद 78 में। ये 75 की बात हो रही है और ये बात हो रही है किसकी? 78 की। अगले प्रश्न पे आते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, किसने भारत के संघीय व्यवस्था को सहकारी संघ व्यवस्था कहा है? सहकारी संघ व्यवस्था, हमारे ऑप्शन है, ऑप्शन ए आइवर जेनिंग्स, ऑप्शन बी जी ग्रेनविले ऑस्टिन, ऑप्शन सी केसी वेयर या ऑप्शन डी पॉल एप्लबी। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी जी ऑस्टिन। जी ऑस्टिन ने सहकारी संघ व्यवस्था कहा है। किसको? भारतीय व्यवस्था को। अगली बात करते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, किसे सरकार का वेस्टमिंस्टर स्वरूप भी कहा जाता है? हमारे ऑप्शन है अर्धसंघीय शासन प्रणाली को, ऑप्शन बी अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली को, ऑप्शन सी ब्रिटिश राजशाही को या ऑप्शन डी संसदीय शासन प्रणाली को। वेस्टमिंस्टर मॉडल भी बोलते हैं इसको, स्वरूप बोलते हैं, जो हमारे यहाँ अपनाई गई है। कहाँ से लेके? ब्रिटेन से लेके। इसको बोलते हैं संसदीय शासन प्रणाली या उत्तरदायी सरकार या लोकसभा के प्रति उत्तरदायी सरकार, जनता की सरकार। तो ऐसा जो मॉडल है हमारे यहाँ अपनाया गया है वो है संसदीय शासन प्रणाली का मॉडल। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? आपका ऑप्शन डी संसदीय शासन प्रणाली। कहाँ से लिया गया है? हमने ब्रिटेन से लिया है। संसदीय शासन प्रणाली में होता क्या है कि शासन और राज्य का प्रमुख दो अलग अलग होंगे। जैसे राज्य का प्रमुख होगा राष्ट्रपति और शासन का प्रमुख होगा प्रधानमंत्री। अब संसदीय शासन प्रणाली, अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली, एक अर्ध अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली होती है। तीन चीज़ें होती हैं, आपको एक एक लाइन में तीनों चीज़ों के बारे में कमेंट में बताना है। संसदीय शासन प्रणाली क्या है ये तो चलो मैंने बता ही दिया, अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली कहाँ देखने को मिलती है और अर्ध अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली कहाँ पर देखने को मिलती है ये बताना है। कौन सा? अध्यक्षात्मक, अर्ध अध्यक्षात्मक, ये चीज आपको बतानी है, एक एक लाइन पे बताना है इसको। आप कमेंट कर सकते हैं इस विषय में। अगले प्रश्न पे चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, किस आयोग ने यह सिफारिश की थी कि अनुच्छेद 356, 357 और 365 को पूर्णतः समाप्त कर दिया जाए? तो हमारे ऑप्शन है, ऑप्शन ए पुंछी आयोग, ऑप्शन बी राजमन्नार आयोग, ऑप्शन सी सरकारिया आयोग या डी द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी राजमन्नार आयोग। राजमन्नार आयोग के बारे में जैसा कि मैंने चर्चा की थी इसके पहले भी कि तमिलनाडु सरकार द्वारा डीएमके के एक सांसद थे, डीएमके के एक वित्त विभाग के प्रमुख थे, उस समय वित्त मंत्री थे कहाँ के? आपके तमिलनाडु सरकार के। उन्होंने, उनके अध्यक्षता पे एक आयोग गठित किया गया राजमन्नार आयोग, जिसमें इन्होंने सुझाव दिया, कई सारे सुझाव दिए, जैसे आर्टिकल 356, 357, 365 को पूर्णतः समाप्त कर दिया जाए, अवशिष्ट शक्तियाँ राज्यों को सौंप दिया जाए, राज्यपाल के पद की नियुक्ति के संबंध में कुछ अपने सुझाव दिए थे और ऐसे ही कई सारे सुझाव दिए थे, लेकिन हालांकि इनके सुझावों को स्वीकार नहीं किया गया था। बहुत सारे सुझाव दिए गए थे लेकिन स्वीकार नहीं किया गया था। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, उपराष्ट्रपति के चुनाव लड़ने हैं तो कितने प्रस्तावक एवं अनुमोदकों की आवश्यकता होती है? हमारे ऑप्शन है, ऑप्शन ए 50-50, ऑप्शन बी 25-25, ऑप्शन सी 20-20 या ऑप्शन डी 15-15। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी 20-20। पहले यह सदस्य संख्या कम होती थी 1997 तक पांच प्रस्तावक, पांच अनुमोदक की आवश्यकता होती थी, लेकिन इससे होता क्या था कि सभी व्यक्ति आके अपना पर्चा भरने लगते थे उपराष्ट्रपति के चुनाव में, जिससे जो
प्रभावी कैंडिडेट है वो चुनाव में नियुक्त नहीं हो पाता था, और चुनाव में अतिरिक्त व्यय भी आता था, अतिरिक्त खर्चा आता था। उन सब से बचने के लिए फिर ऐसा कहा गया कि पहले भैया ये बताओ 20 प्रस्तावक चाहिए, 20 अनुमोदक चाहिए, मतलब 20 ऐसे होना चाहिए जो आपको प्रस्ताव लेके आए, और 20 अनुमोदक होना चाहिए जिनके आपके सिग्नेचर होने चाहिए, जो कहें कि हाँ मैं इस व्यक्ति को उपराष्ट्रपति के पद पर नियुक्त करना चाहता हूँ। तो 20 प्रस्तावक, 20 अनुमोदन की आवश्यकता अभी वर्तमान में उपराष्ट्रपति चुनाव लड़ने के पूर्व चाहिए होती है। अगला प्रश्न है, उपराष्ट्रपति हेतु जमानत राशि कितनी निर्धारित की गई है? तो हमारे ऑप्शन है 1,00,000 रुपये, ऑप्शन बी 10,000 रुपये, ऑप्शन सी 15,000 रुपये, ऑप्शन डी 2,500 रुपये। अब देखिए, वर्तमान में जो जमानत राशि निर्धारित की गई है वो 15,000 रुपये है। 15,000 रुपये जमा किसके पास की जाएगी? RBI के पास। और यदि कोई उम्मीदवार 1/6 वोट नहीं प्राप्त करता है, मत मूल्य प्राप्त नहीं करता है, तो इसकी जमानत राशि जब्त कर ली जाएगी, जब्त कर ली जाएगी। 2,500 रुपये ये आपके 1997 से पूर्व 2,500 रुपये निर्धारित थी। वही मैंने जो रीज़न इसके पहले वाले प्रश्न में बताया कि कोई जो कैंडिडेट है वो प्रभावी कैंडिडेट आके उपराष्ट्रपति के पद के लिए चयनित हो सके, इसलिए इसकी राशि ज़्यादा बढ़ाई गई। हालांकि नेताओं के लिए राशि बहुत कम है और कोई व्यक्ति इसको अन्यथा नहीं लेगा, क्योंकि किसी किसी के व्यक्ति बहुत नेता बहुत प्रसन्न होते हैं, प्रसन्न दीदा होते हैं, तो उनको बुरा लग जाता है, पर मैं न्यूट्रल होकर यहाँ पर बोल रहा हूँ। कुछ ले लीजिए, कुछ नेता होते हैं इनको पैसे की आवश्यकता नहीं होती है। चलिए अगले पे आते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, उपराष्ट्रपति किस सदन का सदस्य होता है? हमारे ऑप्शन है, ऑप्शन ए राज्यसभा का, ऑप्शन बी लोकसभा का, ऑप्शन सी राज्य सरकार का, या ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं। बहुत ही अच्छा प्रश्न है, उपराष्ट्रपति किस सदन का नेता होता है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं। आप बताइए, क्या जब राष्ट्रपति जब चुना जाता है उसमें कहीं पर लिखा है कि वो राज्यसभा का सदस्य होना चाहिए या लोकसभा का सदस्य होना चाहिए? उसमें लिखा है कि वो लाभ का पद धारण करने वाला नहीं होना चाहिए। लाभ का पद जब अगर वो सदस्य होता है किसी सदन का, तो उसको उससे त्याग पत्र देना पड़ता है। ये बात आपने पढ़ी भी होगी। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? उपयुक्त में से कोई नहीं, मतलब उपराष्ट्रपति किसी सदन का सदस्य नहीं होता है। अगला प्रश्न पूछते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, कौन सी स्थिति में उपराष्ट्रपति का पद खाली हो जाता है? हमारे ऑप्शन है, ऑप्शन ए उपराष्ट्रपति का राष्ट्रपति के रूप में चयनित हो जाने पर, उपराष्ट्रपति की मृत्यु हो जाने पर, उपराष्ट्रपति के चुनाव को वैध घोषित किए जाने पर, या डी अपने पद से त्यागपत्र दिए जाने पर। उपयुक्त सभी कथन सही है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा उपयुक्त सभी कथन सही है। क्या ऑब्वियस सी बात है, जब उपराष्ट्रपति का पद रिक्त हो जाता है और उपराष्ट्रपति उसके कर्तव्यों का निर्वहन करने लगेगा, तो सभापति के रूप में वो कार्य नहीं करेगा, उपसभापति के रूप में कार्य नहीं करेगा उपराष्ट्रपति। फिर उपराष्ट्रपति की अगर मृत्यु हो जाती है, तो उसका पद रिक्त हो जाता है। उपराष्ट्रपति के चुनाव को सुप्रीम कोर्ट द्वारा अवैध घोषित कर दिया जाता है, तो उसका पद रिक्त हो जाता है, या फिर अपने पद का त्याग पत्र दे दे राष्ट्रपति को उपराष्ट्रपति, तो भी उसका पद खाली हो जाता है। अगले प्रश्न है, उच्चतम न्यायालय ने कब यह निर्णय दिया कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति व्यक्ति 6 के भीतर किसी सदन की सदस्यता ग्रहण कर सकता है? हमारे ऑप्शन है, ऑप्शन ए 1996, ऑप्शन बी 1997, ऑप्शन सी 1998, या ऑप्शन डी 2014। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी 1997। 1997 के बाद ही सुप्रीम कोर्ट ने यह निर्णय दिया कि यदि कोई व्यक्ति प्रधानमंत्री के तौर पर नियुक्त किया जाता है, तो उसके 6 के बाद अगर वो किसी सदन का सदस्य नहीं है, तो 6 के बाद किसी सदन की सदस्यता को ग्रहण करे। अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री को उसके पद एवं गोपनीयता की शपथ कौन दिलाता है? हमारे ऑप्शन है, ऑप्शन ए लोकसभा अध्यक्ष, ऑप्शन बी लोकसभा अध्यक्ष की अनुपस्थिति पर राष्ट्रपति, ऑप्शन सी राष्ट्रपति, या ऑप्शन डी पूर्व प्रधानमंत्री की उपस्थिति पर। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी। कई लोग कंफ्यूज हो जाएंगे कि चुन के तो लोकसभा सदस्य के रूप में आता है प्रधानमंत्री, तो इसकी शपथ कौन दिलाता है, कौन राष्ट्रपति दिलवा रहा है? तो आपने ध्यान से देखा होगा कि राष्ट्रपति की नियुक्ति कौन करता है, प्रधानमंत्री
सॉरी प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है, माफ कीजिएगा, प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति। तो शपथ कौन दिलाएगा, राष्ट्रपति दिलवाएगा, तो बिल्कुल सी बात है, सही है। तो 82 में क्या हो जाएगा उत्तर, ऑप्शन सी। अगला है, मंत्रियों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है, इनकी नियुक्ति प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति करता है, इनका शपथ भारतीय संविधान के अनुसूची 3 के अधीन संपन्न होती है, राष्ट्रपति के अधीन यह शपथ ग्रहण करते हैं, या डी मंत्री केवल 5 वर्ष के लिए पद ग्रहण करते हैं। देखिए ध्यान से सुनिएगा, असत्य कथन पूछ रहा है, कथन असत्य है, तो बात बिल्कुल सही है कि इनकी नियुक्ति प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति करता है, यह बात बिल्कुल सही है। इनका शपथ भारतीय संविधान के अनुसूची 3 के तहत होती है, यह भी बिल्कुल सही है। राष्ट्रपति के अधीन यह शपथ ग्रहण करते हैं, यह भी सही है, बिल्कुल बिल्कुल बात सही है। यह भी मंत्रिपरिषद भी राष्ट्रपति के अधीन ही अपनी शपथ को ग्रहण करते हैं, मंत्री केवल 5 वर्ष के लिए पद ग्रहण करते हैं, यह जरूरी नहीं है, क्योंकि कोई मंत्री अगले चुनाव के बाद चुन के आता है वो भी मंत्री ग्रहण कर लेता है, या फिर बीच में भी उसका कार्यकाल समाप्त कर लिया जाता है, उसको मंत्री पद से हटा दिया जाता है, प्रधानमंत्री उनका त्यागपत्र राष्ट्रपति के माध्यम से मंगवा सकता है। तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, ये ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। अगले प्रश्न पे आते हैं, हमारा अगला प्रश्न है, मंत्रिमंडलीय समितियों की स्थापना किसके माध्यम से की जाती है, हमारे ऑप्शन है, ऑप्शन ए लोकसभा अध्यक्ष के माध्यम से, ऑप्शन बी मंत्रिपरिषद के मुखिया के माध्यम से, ऑप्शन सी राष्ट्रपति के माध्यम से, या ऑप्शन डी उपराष्ट्रपति के माध्यम से। ध्यान से सुनिएगा, मंत्रिमंडल समितियों की स्थापना, देखिए संसद में विभिन्न कार्यवाही को संचालित करने के लिए कई सारी समितियों का गठन किया जाता है जो सरकार करती है, सरकार मतलब मंत्रिपरिषद। अब मंत्रिपरिषद का मुखिया कौन होता है, प्रधानमंत्री। तो प्रधानमंत्री विभिन्न कार्यों के संचालन के लिए कई सारी समितियों का गठन करता है, जैसे आर्थिक मामलों की समिति, विदेशी निवेश संबंधी समिति, कृषि संबंधी समिति, आपदा संबंधी, इस प्रकार से कई सारी समितियों का गठन करता है। और ये समितियां दो प्रकार की हो सकती हैं, एक होती है तदर्थ समिति, एक होती है स्थायी समिति। जैसे तदर्थ समिति की बात करें तो जैसे आपने नाम सुना होगा कि ऐसी समिति बनी, कहीं पर आगे आपदा, कोई आपदा आ गई, हिमस्खलन हो गया, भूस्खलन हो गया, वहाँ की आपदा हो गई, तो उसकी जांच के लिए एक समिति बैठा दी गई, उसके संबंध में एक समिति बैठा दी गई, कौन बैठाया, प्रधानमंत्री ने। अच्छा ये बता दो मंत्रिमंडल समिति इसका उत्तर क्या होगा, तो इसका उत्तर होगा प्रधानमंत्री के माध्यम से, मतलब मंत्रिपरिषद के मुखिया के माध्यम से, ठीक है, ऑप्शन बी सही उत्तर होगा। तो आपदा के दौरान कितनी घटनाएं घटित हुई, कितना मुआवजा दिया जाने चाहिए, ये सब सुझाव दिया उस समिति ने, काम उसका खत्म हो गया तो वो समिति भी समाप्त हो गई, ऐसी समितियों को बोला जाता है तदर्थ समिति या अस्थायी समिति। दूसरी होती है स्थायी समिति, जो स्थायी कार्यकाल के लिए गठित होती हैं, जैसे लोकलेखा समिति, जैसे संसदीय कार्य समिति, जैसे आपकी आर्थिक मामलों की समिति, तो ये क्या होती हैं, स्थायी समितियाँ होती है। अगला बात करते हैं, अगला है पदक्रम एवं वेतन तथा राजनीतिक महत्व के आधार पर सही क्रम क्या है, ये आपकी मंत्रिपरिषद के बारे में हो रही है। जैसे ऑप्शन ए कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री, राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार, उपमंत्री। ऑप्शन बी कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री, उपमंत्री, संसदीय मंत्रालय। ऑप्शन सी मंत्रिपरिषद, कैबिनेट मंत्री, उपमंत्री, राज्य मंत्री, या ऑप्शन डी कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री, स्वतंत्र प्रभार, राज्य मंत्री और उपमंत्री, इसका सही क्रम क्या होगा। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री, स्वतंत्र प्रभार, राज्य मंत्री एवं उपमंत्री। अगले प्रश्न पे आते हैं, हमारा अगला प्रश्न है मंत्रिमंडल में कौन शामिल होता है, हमारा ऑप्शन है, ऑप्शन ए प्रधानमंत्री, ऑप्शन बी कैबिनेट मंत्री, ऑप्शन सी प्रधानमंत्री तथा कैबिनेट मंत्री, या ऑप्शन डी मंत्रिपरिषद के समस्त सदस्य। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी प्रधानमंत्री तथा कैबिनेट मंत्री। मंत्रिमंडल का प्रावधान कब जोड़ा गया, तो आपका 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1978 में 352 के तहत, अनुच्छेद 352 के तहत इसको जोड़ा गया, पहली बार जोड़ा गया था। अगला प्रश्न है मूल संविधान की विशेषता है, ऑप्शन ए प्रस्तावना में अखंडता, समाजवाद एवं धर्मनिरपेक्ष शब्द व्याप्त थे,
बी मौलिक कर्तव्य शामिल थे, सी मंत्रिमंडल का उल्लेख था, या डी राष्ट्रपति समस्त कार्यपालिका शक्ति का प्रमुख होगा लेकिन यह इसका इस्तेमाल अपने अधीनस्थ अधिकारियों के माध्यम से करेगा। तो आप बात यहाँ पर ध्यान से सुनिएगा, मूल संविधान की विशेषता के बारे में पूछे, क्या प्रस्तावना में अखंडता, समाजवाद और धर्मनिरपेक्ष शब्द जोड़े गए थे पहले मूल संविधान में? नहीं। इन्हें कब जोड़ा गया? 42वें संविधान संशोधन के द्वारा। मौलिक कर्तव्य कब शामिल किया गया? 42वें संविधान संशोधन के द्वारा। फिर मंत्रिमंडल का उल्लेख कब किया गया? 44th के द्वारा। लेकिन जो राष्ट्रपति की कार्यपालिका शक्ति का प्रमुख होना और अधीनस्थों के माध्यम से अपने कार्यपालिका शक्ति का प्रयोग करना, इसका जिक्र मिलता है कहाँ पर? आर्टिकल 53 में, अनुच्छेद 53 में। तो मूल संविधान में किसका जिक्र मिलता है? ऑप्शन डी का। तो 27 का उत्तर क्या होगा? ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से क्या प्रधानमंत्री के कर्तव्य हैं? ऑप्शन ए राष्ट्रपति द्वारा मांगे गए मंत्रिपरिषद के कार्यों को राष्ट्रपति से अवगत कराना, बी वैश्विक स्तर पर विदेश नीति का संचालन करवाना, या सी मंत्रिमंडल के किसी निर्णय को संसद के समक्ष प्रस्तुत करवाना, डी उपयुक्त सभी। तो संवैधानिक तौर पर अगर बात की जाए तो संवैधानिक तौर पर ये बात बिल्कुल सही है। फिर अगर व्यवहारिक तौर पर बात किया जाए तो बात ये भी सही है और बात ये भी सही है। तो कर्तव्य, तीनों इनके कर्तव्य हो गए, तो ऑप्शन डी क्या होगा? सही उत्तर। ऑप्शन डी सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, भारत सरकार की समस्त कार्यपालक कार्यवाहियों का संचालन किसके माध्यम से अभिव्यक्त होती है? हमारे ऑप्शन है, ऑप्शन ए प्रधानमंत्री के माध्यम से, ऑप्शन बी राष्ट्रपति के माध्यम से, ऑप्शन सी भारत के संसद के माध्यम से, या डी मंत्रिपरिषद के माध्यम से। देखिए इसका जिक्र कहाँ पर मिलता है? तो इसका जिक्र मिलता है आर्टिकल 77 में, जिसमें कहा गया है कि जितनी भी कार्यवाहियाँ किए जाएंगी, सरकार कितनी भी कार्यवाहियाँ करेगा, वो राष्ट्रपति के नाम से की जाएंगी। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? राष्ट्रपति। जैसे कोई संधि लागू करवाना है, कोई विदेश नीति को लागू करवाना है, किसी वैश्विक उच्चायुक्त की नियुक्त करवाना है, तो सबके किसके नाम पर नियुक्त होगी? राष्ट्रपति के नाम से नियुक्त होगी। तो ये प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, हिज सुपरफ्लुअस हाइनेस किसे संबोधित किया जाता है? और ये आज का हमारा आखिरी प्रश्न भी हो सकता है। हिज सुपरफ्लुअस हाइनेस किसे संबोधित किया जाता है? हमारे ऑप्शन है, ऑप्शन ए प्रधानमंत्री, ऑप्शन बी उपराष्ट्रपति, ऑप्शन सी राष्ट्रपति, या ऑप्शन डी लोकसभा अध्यक्ष। तो इसे बोला जाता है उपराष्ट्रपति को। ठीक है, हमारे यहाँ के उपराष्ट्रपति की ये शक्ति प्राप्त है कि वो USA जैसे उपराष्ट्रपति के समान शक्तियाँ प्राप्त नहीं करता है। हालांकि उसके जैसा इसके पास भी पावर है कि राज्यसभा का क्या होगा, ये सभापति होगा। उसके पास भी पावर है कि जब प्रधानमंत्री एक राष्ट्रपति का पद रिक्त हो जाएगा तो उसके पद पर ये बनेगा, उसके पद का निर्वहन करेगा। लेकिन USA के उपराष्ट्रपति की एक खासियत होती है कि अगर किसी राष्ट्रपति की मृत्यु हो जाती है, उसका पद रिक्त हो जाता है, तो जितने समय तक उसका कार्यकाल बचा होता है उतने समय तक के लिए उपराष्ट्रपति स्वतंत्र सत्ता संभालेगा। लेकिन भारत में ऐसा नहीं होता है। भारत में ये कहता है कि अगर राष्ट्रपति का पद रिक्त हो जाता है और उपराष्ट्रपति इस कार्य का कार्यभार कर रहा होता है, तो 6 महीने के अंदर पुनः नियुक्त करवाना, पुनः चुनाव करवाना अति आवश्यक हो जाता है। तो दोस्तों, ये हमारे जो पूरी चर्चा थी उस पे हमने मुख्य रूप से किसको देखा? आपके प्रधानमंत्री को देखा, मुख्य रूप से हमने उपराष्ट्रपति को देखा, महान्यायवादी को देखा और मंत्रिपरिषद को देखा। राष्ट्रपति के संबंध में कुछ प्रश्न थे, लेकिन जो हमारी इसके बाद चर्चा होने वाली है वो राष्ट्रपति के मुद्दों को लेके होगी और उनके संबंध में कौन कौन से प्रश्न बन सकते हैं, विभिन्न परीक्षाओं में कैसे कैसे प्रश्न पूछे गए हैं, उन समस्त पहलुओं को हम लोग कवर करेंगे। और कोशिश करेंगे कि जब हमारा ये सीरीज़ ख़त्म हो जाए कि सुप्रीम कोर्ट के कौन कौन से निर्णय हो चुके हैं, तो हम बीच में शुरू कर देंगे कि संविधान संशोधन जो प्रमुख हुए हैं, जिससे क्या होगा कि हमको एक ही दिन में ज़्यादा लोड नहीं आएगा। तो दोस्तों, चलिए हमारे साथ जुड़े रहिए और ज़्यादा से ज़्यादा इसको प्रसारित कीजिए। नमस्कार।